पास्ता तो सभी को बहुत पसंद होता है, खासकर बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है, पर आज इसे एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा चीजी पास्ता बनाएंगे, वो भी पाव भाजी फ्लेवर में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 कप पानी बॉयल होने के लिए चढ़ाया है। पानी बॉयल हो जाए फिर इसमें 1 छोटे चम्मच नमक डाल देंगे और 1.5 कप पास्ता, वजन में ये लगभग 150 ग्राम है। इसमें हाई फ्लेम पे एक बार उबाल आने देंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कुक होने देंगे। इस पास्ता को पकने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। पास्ता बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। जब इसे ब्रेक करके देखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट रहा है, मतलब पास्ता बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए फिर इसमें 3 से 4 बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और 1 प्याज। प्याज को 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। प्याज रोस्ट हो गया है तो इसमें 1 टमाटर डाल देंगे, 1/2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ इसमें 1/2 छोटे चम्मच नमक डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक कि टमाटर थोड़ा सा मशी हो जाए। टमाटर काफी मशी हो गया है तो इसमें 1/4 कप के करीब शिमला मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ पे कलरफुल वाला यूज किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हरा मटर यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोजन वाला यूज किया है, अगर आप फ्रेश वाला यूज कर रहे हैं तो उसे बॉयल करके यूज करें। इसी के साथ इसमें 2 छोटे साइज का बॉयल किया हुआ आलू ऐड करेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें 1/2 छोटे चम्मच नमक और डाल दें। 1/2 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट रोस्ट करेंगे। सब्जियां रोस्ट हो गई है तो इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालें, इससे सब्जी की कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है। इसे मिक्स करके हाई फ्लेम पे 1 बार उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है तो फ्लेम को लो कर देंगे और सब्जियों को मैश कर लेंगे। अगर आपको लगे कि सब्जी बहुत ज्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे इसमें 1 बार और उबाल आने देंगे। इसमें 30 ग्राम के करीब प्रोसेस्ड चीज डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे स्लाइस्ड चीज भी यूज कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे 1 बार मिक्स कर लेंगे। इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। जो पास्ता हमने कुक किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, बस मीडियम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे, जिससे कि ग्रेवी पास्ता में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हमारी क्रीमी एंड चीजी पाव भाजी पास्ता बिल्कुल रेडी है। तो इसे सर्व करते हैं। तो आप ये पास्ता ट्राई करें और अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।